मुझे लगता है हम सभी लोगों को, और ये शुरुआत मेरे अपने से ही हुई जब मुझे इस बात का थोड़ा सा इल्म हुआ, हम सभी लोगों को सबसे पहले तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास ये ह्यूमन बॉडी है। इसकी जो महत्ता है वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इफ़ यू आर इन दिस ह्यूमन बॉडी, आप ह्यूमन स्पीशीज़ में, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा थैंक्स है। क्योंकि और जिसने एवोल्यूशन के बाद हम आज यहाँ बैठे हैं, हमारी ये ज़रूरत नहीं है कि जब तक मैं किसी चूहे को मार नहीं दूंगा और खा नहीं लूँगा मेरा पेट नहीं भरेगा। ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें धूप में, छाँव में या उस तरह से जंगलों में, हम लोगों को हमारा सर्वाइवल अभी उतना टफ नहीं है। तो एक तो उसका शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं इस प्लेनेट पे। मतलब हम लोगों को अक्सर लगता ही है कि प्लेनेट का मतलब प्लेनेट और ह्यूमंस, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे पक्षी बहुत सब चल रहा है। और उसमें अगर आप देखें तो मोस्ट प्रिविलेज्ड रेस, अगर कोई अपने लिहाज से, जिसने अपने लिहाज से अपने आप को ठीक रखने के लिए थोड़ा प्लेनेट को भी तकलीफ पहुंचाई और सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी फैसिलिटीज़ और अपने आपका जो कुशन है एक, उसको रखे हुए, वो ह्यूमन ही है। तो इतने एवोल्यूशन प्रोसेस के बाद, इफ़ यू आर हियर सिटिंग लाइक दिस, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कैमरा चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट है, आराम से बैठे हैं, तो ये हमने अपने लिए एक मुहैया की है सिचुएशन। तो एक तो इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हैं। इसके बाद जो भी कुछ है और आपके हाथ पाँव सब चल रहे हैं, सलामत हैं, आपको ऊपर वाले ने एक रोशन दिमाग दिया है, आप खाना खा रहे हैं तो आपकी बुद्धि में लग रहा है, शरीर पर लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात। मेरे ख्याल से इसके बाद अगर ये सब है तो इसके बाद आपके पास जो आ रहा है जीवन में वो प्लस है। इसके बाद प्लस ही प्लस है, क्योंकि आप ऑलरेडी एडवांटेज में हैं, तो इसके बाद आपको जो मिल रहा है वो प्लस है। और क्या चीज़ ले ले, तो आई थिंक कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो, और वो भी हमें एक्टिंग से ही सीखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से हम इसको परस्यू करते हैं, आई थिंक ईगो। ईगो एकमात्र ऐसी चीज़, और ईगो सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, ईगो के बहुत अलग अलग रूप हैं। सिर्फ यही मान लेना कि मैं और यही मैं हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी, ईगो, आई थिंक ईगो जितना आदमी से छूटता जाए, जितना वो अपने आप को न्यूट्रल करता जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो जितना आपका ईगो आपसे चला जाए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ईगो के साथ फिर तमाम किस्म की वो चीज़ें आती हैं जो कि तकलीफ़ देती हैं। एक्टिंग का अगर आप बिल्कुल जो उसका लिटरल मीनिंग है, या जो आपको हर जगह बड़ी बड़ी किताबों में और बड़े बड़े लोगों ने भी जो किया है उसका, सब ने अपने अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन एक बेसिक, उसका जो एक बेसिक फंडामेंटल है वो तो ये है कि मैं ब्रिज बन सकूं बिटवीन द स्टोरी एंड द पीपल। तो जो कहानी है, क्योंकि ये है स्टोरी टेलिंग का ही हिस्सा, स्टोरी टेलिंग में एक्टर जो है वो उसको जीवंत कर देता है, उस किरदार को। तो मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि इस स्टोरी या इस चीज़ को मैं कितने बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र कर सकूं ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए ही हो रहा है। तो आप कितना बेहतर तरीके से उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, कितने अच्छे आप कंडक्टर हैं कि आपने यहाँ से करंट लिया, और कितने बेहतर तरीके से उसको, कितना अच्छा और रिफाइन करके कि कितना अच्छे से आप उसको आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तो एक इसका कि भाव को किस तरह से आगे प्रस्तुत किया जाए, और भाव को प्रस्तुत आप अपने पात्र में करते हैं, तो पात्र में आपने भाव रखा और प्रस्तुत कर दिया। तो ये तो है एक आपकी वो डेफिनेशन। दूसरी फिर ये है कि कोई भी आर्ट फॉर्म, जो आर्ट फॉर्म की तरह अगर आप उसको परस्यू करते हैं, जैसा कि मैंने किया या मेरे आसपास के जो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, उन्होंने किया, आप पेंटिंग बनाना सीख लें या आप एक्टिंग करें, वो आपके लिए साधना बन जाता है। साधना मतलब इट बिकम्स अ टूल फॉर यू टू रीच टू योर सेल्फ, टू रीच समथिंग विच इज़ बियॉन्ड। और आप जाकिर हुसैन साहब को तबला बजाते हुए देख लें तो बीच में एक ऐसा मोमेंट आता है, मैंने एक लाइव शो भी देखा था, बीच में हम बैठे हुए थे, दोस्त हमने बोला यार ये बीच में हाथ दिखने बंद हो गए, क्योंकि वो इतना तेज़ बीच में एक था कि ऐसा लगा कि अभी उंगलियां और हाथ दिख नहीं रहे। और उस वक्त आपको ये लगता है कि अच्छा अब ये एक बड़ा ट्रांसेंडिंग सा मोमेंट हुआ ना, कुछ एक आपने चीज़ देखी वहाँ पर। वो उस मोमेंट को हम लोग अपनी कम अकली में या जैसे भी हम अपने समझ में कहते हैं कि भाई ये मोमेंट है जहाँ पर परफॉर्मर का ईगो ख़त्म हो चुका है, वो और तबला और वो उसका सुर या वो और उसका किरदार जो है वो अभी
और थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन बोलते हैं कि इस वक्त ऑडिटोरियम में सब लोग यही महसूस कर रहे हैं, तो सबका ईगो इस एक्टर या इस परफॉर्मर की वजह से, सभी लोग अभी इसी ख्याल या इसी धुन या इसी सुर या इसी एक एक्ट में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि सभी लोग उसमें चले गए, सभी का ईगो जो है सरेंडर हो गया। तो ये अगर आप साधना की तरह करते हैं, अगर आपने इसको अपना जीवन का टूल बना रखा है, व्हील बना रखा है, व्हीकल बना रखा है, तो फिर इसके मज़े अलग हैं, क्योंकि फिर आपको हर चीज़ में दर्शन होगा, हर चीज़ में आप विटनेस बनने की कोशिश करेंगे, एक्टर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप एक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि एक्ट तो हो जाएगा, लेट मी विटनेस इट। और जहाँ पर आप उस सोच उस ख्याल में आने लगते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। अब मुझे मालूम नहीं कि ये बात क्योंकि हम फिल्मों की बात करते हैं या इसमें करते हैं, ये सब बातें कैसे कनेक्ट होंगी या लोगों को पता नहीं क्या लगे, लेकिन कोई भी आर्ट फॉर्म, इवन क्रिकेट फॉर दैट मैटर, मतलब जब मैंने सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए और उन्होंने पिच को हाथ लगा कर वो किया, वो आपको ये बताता है कि वॉट ही वॉज प्लेइंग फॉर ऑल दीज ईयर्स, वॉट दिस मैन वॉज प्लेइंग फॉर। और मतलब जितने लोगों ने देखा उन सब लोगों, बड़ा इमोशनल मोमेंट था। और आपको ये चीज़ यहीं इसी देश में मिलेगी, वाफर मकदार में मिलेगी इस देश में, कि लोग अपने काम को अपनी साधना मानते हैं, वो अपने उस चीज़ को अपना। तो जब आप ये मानने लग जाएं, तो फिर आप बैट चलाइए, आप कलम चलाइए, कि आप पेंट ब्रश चलाइए, या आप अपनी बॉडी चलाइए एज एन एक्टर, या कुछ भी कीजिए, आपका ध्येय आपका गोल कुछ और बन जाता है, आप कुछ साधना में लग जाते हैं। वो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। और आर्ट फॉर्म्स, स्पेशली एक्टिंग, इसलिए क्योंकि एक्टिंग एकमात्र ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसका इंस्ट्रूमेंट उसके प्लेयर से अलग नहीं है। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट भी मैं ही हूँ, मेरा प्लेयर भी मैं ही हूँ, तो ये और टफ बन जाता है, ये और सब्जेक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि पेंटर फिर भी देख सकता है, मैंने पेंटिंग ऐसे की, पियानो प्लेयर जो है वो पियानो और वो अलग होते हैं, बैट और आप अलग होते हैं, फिर भी एक्टर के साथ वो इंस्ट्रूमेंट अलग बिल्कुल, वो अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उसके लिए आपको हमेशा ही उसमें ऑब्जेक्टिव व्यू में, या जो मैंने कहा विटनेस, उस पर आप जितना रह सकें, और हम सभी कोशिश कर रहे हैं, ये बस बातें हैं जो कि ये चीज़ें हैं जिसको हमने सीखा और हम कोशिश कर रहे हैं अप्लाई करने की, लेकिन अगर ये मज़ेदार जर्नी हो जाती है, इसके बाद फिर मज़ा आपको अलग आने लगा, फिर वो जो डेफिनेशंस हैं एक्टिंग की, वो आपको लगता है कि हाँ बस ये डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसके मज़े जो हैं, जो इसकी जर्नी है, वो फिर अलग हो जाती है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो मोमेंट आप कह रहे हैं, इस मोमेंट को हम लोग अपने लिहाज से कहते हैं द मोमेंट आई लिव फॉर, या 10 तरह की डेफिनेशंस दे सकते हैं आप। लेकिन जिस तरह के मोमेंट की आप बात कर रहे हैं, कई बार बड़ी अजीब बात होती है, पर वो मज़ेदार होता है देखना। कई बार वो मोमेंट तब आ जाता है जब आपका शॉट भी नहीं लगा होता, आपका कंधा होता है सामने एक्टर का लगा हुआ होता है, और अभी इस वक्त परफॉर्म करते वक्त क्यूज ही दे रहा हूँ मैं, लेकिन ये हो गया, ये आ गया अभी। अब जब मेरा शॉट लगेगा, या हो सकता है मेरा शॉट लग चुका पहले, लेकिन अभी वो मोमेंट आ गया। तो कई बार ये होता है कि वो कैमरे पे नहीं आती है चीज़, लेकिन उस दिन उस लोकेशन पे आपको कुछ एक, ये तो कहना बड़ा ही, मतलब इतना डेफिनेटिव नहीं होता कि कुछ मिल गया या कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया या कुछ बदल गया आपके अंदर, लेकिन कुछ एक होता है, कुछ एक आपको, कोई एक दिन होता है जिस दिन आपको लगता है कि आज, बल्कि मेरे साथ ये होता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आज तो समझ में आया है कि ये कैरेक्टर था क्या कई बार ये भी हो जाता है कि अरे अच्छा अभी तो ये समझ में आया, और अब तो फिर आपको लगता है मैंने पहले जो किया वो क्या किया है, वो ठीक भी किया है कि नहीं किया है, फिर आपको ये लगता है। लेकिन सेंस ऑफ रियलाइजेशन कह लीजिए, या सेंस ऑफ वंडर कह लीजिए, सेंस ऑफ डिस्कवरी कह लीजिए, वो होती है। आप जब इतने दिन काम कर रहे होते हैं, आप चाहे 10 दिन का काम करें, चाहे आप 70-80 दिन का काम करें, आप कुछ ना, क्योंकि आप रोज़ लगे हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो एक, और क्योंकि आप प्रयोग करते आए हैं अपने साथ बचपन से ही, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो करते 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 देर आर मोमेंट्स जहाँ पर, और ऐसा मेरा मानना है कि आप डिस्कवरी मोड पे रहें, स्पेशली इन सिनेमा जहाँ पर कैमरा इन्वॉल्व्ड है, वहाँ आप डिस्कवरी मोड पे रहें, ज़्यादा प्रिपरेशन मोड पे ना रहें, वो ज़्यादा बेहतर होता है कैमरे के लिए, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम जब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर हम पहले ही पंक्चुएट कर लेते हैं ना कि ये है वो सीन जिसमें गोल मारना है, ये है वो मोमेंट जहाँ पर गोल पड़ेगा,
ये है वो लाइन जिस पर छक्का मारना है। आप ना अपने आप को बहुत फंसा लेते हैं, बहुत बांध लेते हैं, क्योंकि और उसमें कई बार क्या होता है, एक्टर को लगता है हर लाइन पे छक्का क्यों नहीं, हर सीन में गोल क्यों नहीं पड़ रहा। लेकिन कोई भी मैच, कोई भी सिम्फनी या कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलती, हर एक अंतरे पे या हर एक उस पे, हर एक लाइन पे, हर एक उस पे बिगुल नहीं बजता, बिगुल बजने की एक जगह होती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, वो मैच को खेलते रहना चाहिए। और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत कोट अनकोट बड़ा सीन, इम्पॉर्टेंट सीन, ये है वो मोमेंट जिस मोमेंट पे आंखों से आंसू टपक जाएगा साहब, वो मोमेंट्स कई बार नहीं, वर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मोमेंट्स वैसे नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को खुला छोड़ देते हैं तो कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप कहते हो बड़ा सरल सा था, उस सरल सा मोमेंट, बड़ा ही नॉर्मल सा सीन, नॉर्मल सी चीज़ होते होते वहाँ पर ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है यार यहाँ तो गोल पड़ गया, ये पड़ गया छक्का, और वो जो डिस्कवरी होती है आपको लगता है कि अच्छा ये यहाँ पर आज अभी कोई चीज़ जिंदा हो गई, वो एक जो इस चीज़ का थ्रिल होता है वो बड़ा कमाल होता है, और वहाँ पर आपको लगता है कि आज कुछ हुआ, आज नॉर्मल सा सीन था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, चाय पीनी थी सिर्फ, या सिर्फ यही करना था, मुझे चलते हुए आना था, लेकिन ये बीच में कुछ हुआ, इसने कुछ कहा मैंने, और एकदम से कुछ ज़िंदगी सी बन गई, कुछ हो गया, और आपको लगता है कि ये मज़ेदार हुआ, यहाँ कुछ ज़िंदा हुआ किया नहीं, ये एक फ़र्क है कि मैंने किया नहीं है, ये हुआ है। तो जो चीज़ आपसे हो जाए और आप उसको ओन भी ना कर पाएँ, आप ये ना कहें कि ये मैंने किया है, देखा आपने कि मैंने क्या किया, वहाँ पर वो बड़ा नकली हो जाता है। आप खुद जब इसमें हो कि यार ये तो हो गया, लेकिन आपने अपने आप को इस सिचुएशन के लिए कि ये हो जाए उसके लिए आप अपने आप को तैयार बहुत समय से कर रहे होते हैं, क्योंकि एज एन एक्टर आप तैयार होते हैं कि अगर कुछ हो तो आप उसे संभाल पाएँ, आप वो कर पाएँ, रिएक्ट कर पाएँ उस टाइम पर। तो जो चीज़ हो जाती है वो कमाल है, जो चीज़ करी जा रही है, की जा रही है, वो चीज़ मुझे उतना मज़ा नहीं आता। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत होते हैं, कोई एक आध नाम लेना तो बड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन